गुना जिले में घटित संपत्ति संबंधी मामलों में गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मधुसूदनगढ़ थाना प्रभारी SI रामबाबू शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा 26 फरवरी को लूट की वारदात का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। 26 फरवरी को फरियादी सौरभ यादव द्वारा मधुसूदनगढ़ थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 25 फरवरी 2021 की रात्रि करीब 10 बजे मैं अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए तीन लड़के आए और मेरे साथ झूमा झटकी कर मेरी पैंट के जेब में रखे 1200 रुपए सहित आधार कार्ड छीन कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों की तलाश में सक्रियता से जुट गए। घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं लूट गए रुपए व आधार कार्ड आरोपियों से जब्त कर लिए गए हैं। परसों रात को तोरई ग्राम में एक दुकान चलाता है व्यक्ति, उसके पास तीन लड़के आए मोटरसाइकिल से और उन्होंने उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें उसके पर्स पैसे और आधार कार्ड लेके गए। तो उसके द्वारा कल दिनांक को रिपोर्ट की गई और उसमें से दो लोगों को उसने चूंकि मुंह बांधे हुए थे लेकिन वो पहचान गया, इस आधार पे आरोपियों की तत्कालिक रूप से कार्रवाई करते हुए उनकी पता रसी की गई। मुखबिर लोगों के द्वारा उनके होने की जानकारी पता चली तो उनको तत्काल घेराबंदी करके घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो आरोपी के नाम से ही है उसको पकड़ा गया और जो आरोपी से आरोपियों द्वारा जो पैसे लूट में मिले थे आपस में बांट लिए थे वो पैसे भी बरामद किए गए और फरियादी का पर्स और उसका आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। इसमें से एक आरोपी के पुराने रिकॉर्ड भी है, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो उसके खिलाफ अन्य कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। और क्योंकि क्या है, घटना के तत्काल होने के उपरांत सजग रूप से काम किया गया और आरोपियों को पकड़ा लिया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मन न्यायालय में वैसे पुरस्कृत किया गया है। गुना से नडीर चंदेल की रिपोर्ट।